स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले ओमेफ्रेश कैप्सूल के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों ओमेफ्रेश कैप्सूल ये तो सनरेस कंपनी का ब्रांड है और कंपनी ने इस कैप्सूल के अंदर ओमेप्राजोल 20 mg में डाला हुआ है और ये शेड्यूल एच ड्रग है, इसलिए आप इसको जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। चलिए इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूँ आपको कि ये 10 कैप्सूल का पैकेट में मार्केट में अवेलेबल है। 10 कैप्सूल की प्राइस होती है 25 रुपये और ये आसानी से आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर केमिस्ट की शॉप पर मिल जाएगा। चलिए इसके यूजेस साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। दोस्तों ओमेफ्रेश कैप्सूल ये है तो एसिडिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर पेट में कुछ गड़बड़ी हो या फिर एसिडिटी हो गई हो या पेट में जलन जैसी महसूस हो रही हो तो उस कंडीशन में आप ओमेफ्रेश कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खट्टी डकार आ रही हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने के तरीके के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों इस कैप्सूल को आपको सुबह में खाना खाने से पहले एक कैप्सूल खाना है। जब भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें तो खाना खाने के पहले ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मुंह का सूखना, उसी के साथ साथ ज़्यादा इस्तेमाल के बाद पेट में जलन बढ़ जाना या स्किन पर रैशेज आना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू ओमेफ्रेश कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छे लगने पर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप कौन सी मेडिसिन की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।